और तीन जो कहते हैं कफ। अब ये ठंडी के दिन होते हैं, तो ठंडी के दिनों में शरीर में कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है। कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई, वैसे तो सैकड़ों हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं। वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है, शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। गुड़ कफ को कैसे शांत रखेगा, आधुनिक विज्ञान की जानकारी कुछ मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूं। कफ जब भी बिगड़ता है तो शरीर में एक तत्व की बहुत कमी आ जाती है, वो है फास्फोरस। केमिकल है, जब भी कफ बिगड़ेगा तो आप समझ लो आपके शरीर में फास्फोरस की कमी है। और फास्फोरस का एक छोटा भाई भी है आर्सेनिक। आर्सेनिक वैसे तो शरीर में ना रहे तो अच्छा है, लेकिन बहुत मामूली मात्रा में रहे तो फास्फोरस को ताकत देता है ये आर्सेनिक। फास्फोरस का कॉम्प्लीमेंट्री है आर्सेनिक। ये केमिस्ट्री की बात है। अब आप समझ लीजिए कि कफ आपके शरीर में बढ़ गया, इसका माने फास्फोरस कम हो गया। तो भागवत जी ने कितनी इंटेलिजेंसी से चुना गुड़ खाओ। हमने गुड़ को जब टेस्ट किया लेबोरेटरी में तो उसमें सबसे ज्यादा फास्फोरस ही है, गुड़ में सबसे ज्यादा फास्फोरस। हालांकि उसमें थोड़ा मात्रा में आर्सेनिक भी है, लेकिन फास्फोरस उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में है। और गुड़ जो बना है ना, किससे बना है, गन्ने के रस से। तो गन्ने के रस को टेस्ट किया तो पता चला गन्ने के रस में फास्फोरस है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा गुड़ में है। गन्ने के रस में भी फास्फोरस है लेकिन उससे ज्यादा गुड़ में है। तो क्या किया हमने, गन्ने के रस को गर्म किया। तो गर्म करने की जो प्रक्रिया है इसमें फास्फोरस घटा नहीं, बढ़ा। ये पता नहीं क्या अद्भुत विज्ञान है। तो बागवती जी ने ये नहीं कहा कि गन्ने का रस पियो, उन्होंने कहा गुड़ खाओ। गन्ने के रस को भी वो कह सकते थे क्योंकि फास्फोरस उसमें है, लेकिन गन्ने के रस से ज्यादा बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस गुड़ में है, जो सबसे जल्दी हजम होता है। ये गुड़ ऐसी अद्भुत चीज है जो एक दिन के बच्चे को भी खिलाया जा सकता है। एक दिन के बच्चे को, आज बच्चा पैदा हुआ, आप शाम को उसे गुड़ दे सकते हैं। तो आप जो है एक ऐसी स्थिति में है जहां आपके पास कई चीजें उपलब्ध हैं, उनमें से बागवती जी चुनकर दे रहे हैं कि देखो ये है। अब गुड़ बनाने के पहले एक और चीज बनती है जिसको मराठी में कहते हैं काकवी, तरल गुड़ कहिए उसको, राब कहते हैं कई लोग उसको, राजस्थान में राब कहते हैं। वो ये कहते हैं कि गुड़ और राब में आपके पास अगर चॉइस है तो राब खाइए, वो गुड़ से भी ज्यादा अच्छी है। तो राब हमने बनवाई और उसको टेस्ट किया लेबोरेटरी में, तो गुड़ से बेहतरीन स्थिति का फास्फोरस राब में है। तो आपकी जिंदगी का इसको हिस्सा बना लीजिए, कफ की जिंदगी में तकलीफ कभी भी नहीं आए जो आप राब और गुड़ खाएं, ये आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे जी कौन सा गुड़ खाएं, बाजार में कई तरह के गुड़ हैं। एक गुड़ है जो बहुत गोरे रंग का होता है, सफेद सफेद होता है। जो गुड़ का रंग जितना ज्यादा साफ वो उतना ही बड़ा जहर। आप कहेंगे जी ये गुड़ तो बहुत ही बढ़िया है, एकदम सफेद। ये सफेद रंग के चक्कर में हम बर्बाद हो गए। जब से अंग्रेज आए ना, हमारे दिमाग में भूत घुस गया, हर चीज हमें गोरी चाहिए, हर चीज गोरी, हर एक रंग सफेद चाहिए। मैं रविवार का अखबार जब पढ़ता हूं ना तो मैट्रिमोनियल कॉलम्स आते हैं, सबको गोरी पत्नी चाहिए, भले चाहने वाला चिक्कट काला हो उसको गोरी ही चाहिए। भागवती जी कहते हैं प्रकृति में जिन चीजों का रंग जितना ज्यादा सफेद है वो उतनी ही आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो प्रकृति में गन्ना है ना, गन्ने का रस कभी भी सफेद नहीं होता, आपने तो देखा है ना अच्छे से, गन्ने का रस तो हरा हरा ही होता है, फिर ये सफेदी कहां से आई। मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं, ये सफेदी आती है निरमा वॉशिंग पाउडर से। और आपको अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो आप कभी विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच यही है कि गुड़ बनाने वाले आपका जो सफेदी का लालच है ना, सफेदी के प्रति आपका, उसको ध्यान में रखते हुए इतना निर्मा डालते हैं, इतना वॉशिंग पाउडर उसमें डालते हैं गन्ने के रस में कि वो गुड़ का रंग ही बदल जाता। तो ये सफेद गुड़, एकदम व्हाइट कलर का गुड़, ये तो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। तो फिर आप कहेंगे जी गुड़ कौन सा अच्छा है, गुड़ का जो नेचुरल कलर है वो वही है जो चॉकलेट का होता है। चॉकलेट आपने देखी है, जिस रंग की चॉकलेट है रंग वही गुड़ का सबसे अच्छा। तो गुड़ जब लाए खरीद कर खाने के लिए तो दुकान वाले को बोल कर लाइए कि भाई हमको ये सफेद वाला नहीं चाहिए, तो कहेगा कौन सा चाहिए, तो वो जो काला काला सा थोड़ा चॉकलेटी कलर का गहरे लाल रंग का वो दे दो। तो वो भी है उसके पास, वो अंदर रखता है क्योंकि उसे मालूम है आप लेने वाले है नहीं उसे, तो वो अंदर रखता तो है, आप जब मांगोगे तो वो वही लेके आएगा। ये गुड़ जहां से भी बनकर आ रहा है वहां फिर संदेशा जाएगा, ये सफेद बंद कर दो, कोई मांग नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, सबको अब वही चाहिए, तो गुड़ की सप्लाई बदल जाएगी।